नमस्कार, मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं जेएमडी खबर। जनपद श्रावस्ती के जमुना बाजार स्थित सहारा इंडिया फ्रेंचाइजी का खाता धारकों ने किया घेराव। खाता धारकों का आरोप है कि समय पूरा होने के बाद भी उनकी धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। श्रावस्ती जिले के जमुना विकास खंड के जमुना बाजार स्थित सहारा इंडिया फ्रेंचाइजी बैंक में आसपास क्षेत्र हजारों लोगों ने पैसे जमा किए थे। जानकारी के अनुसार कई लाभार्थियों के द्वारा जमा की गई रकम की अवधि 9 साल की पूरी होने के बाद भी भुगतान नहीं हो रहा है। खाता धारकों का कहना है कि भुगतान का समय मार्च में था, बीत गया, लेकिन उन्हें पैसा नहीं मिला। कई खाता धारकों ने सहारा इंडिया में जमा किए रकम के सहारे अपने बेटी की शादी रचाने की तिथि भी रिश्तेदार को दे रखी है। मार्च में भुगतान मिलने की जानकारी से 28 अप्रैल को शादी की तारीख रख दिया। वहीं सहारा इंडिया फ्रेंचाइजी ब्रांच किसी को भुगतान करने को तैयार नहीं है। देख ले भैया, सारा इंडिया फ्रेंचाइजी ब्रांच मैनेजर सदानंद विश्वकर्मा ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पिछले 8 वर्षों से लगाए गए प्रतिबंधों के कारण पूरे समूह कोऑपरेटिव सहित की परिसंपत्तियों को बेचकर गिरवी रखकर या संयुक्त उद्यम से कोई भी धन जुटाया जाता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ये सारा धन सहारा सेबी के खाते में जमा किया जाएगा। हम इसमें से एक रुपए का भी उपयोग संस्थागत कार्य के लिए या किसी भी खाता धारक का भुगतान नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 1 से 4 मई तक मीटिंग है, हमें जो दिशा निर्देश मिलेगा उसके तहत काम किया जाएगा। लोगों की भारी भीड़ देखकर जमुना चौकी प्रभारी रामकुमार वर्मा पहुंचे। उन्होंने सभी को समझा बुझाकर शांत कराया और आश्वासन दिलाकर उनको वापस किया। ये हमारे सब सम्मानित जमाकर्ता हैं सर, ये पेमेंट के लिए आए थे और पेमेंट का वादा सारा श्री ने भी ये कहा था कि यहाँ 31 मार्च तक के हम लोगों की स्थिति सुधर जाएगी और 31 मार्च के बाद हम लोग पेमेंट करेंगे। लेकिन अब वो क्लोजिंग हम लोगों की 10 तारीख की हुई अप्रैल में, 10 तारीख के बाद उन्होंने मीटिंग रखी थी कि 14, 16 और 17 तारीख में, 15 को इलेक्शन था इसलिए मतलब 14, 16, 17 को मीटिंग रखी गई थी। 14, 16 को मीटिंग के बजाय उनको 9 तारीख या 10 तारीख में शायद कोरोना हो गया इसलिए मीटिंग स्थगित कर दी गई। अब उसमें कुछ परचर्चा होती कि हाँ कैसे क्या किया जाएगा, जो दिशा निर्देश मिलता वो किया जाता, लेकिन अब कोरोना काल के वजह से हम लोग आगे कुछ उसमें नहीं कर पा रहे हैं। अगली तारीख मुझे कल मिली है 19 तारीख में कि वो ये पहली तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख में मीटिंग लेने वाले हैं। अब जो भी दिशा निर्देश होगा वो हम लोग वही चीज़ बता पाएंगे। अगर फंड की व्यवस्था हो रही है, अगर पेमेंट के लिए कहा जा रहा है तो हम तारीख देंगे कि हाँ इस तारीख में आपका पेमेंट होगा, फला तारीख में आपका पेमेंट होगा। अगर इसके अलावा और कोई चर्चा हो रही है तो वही हम बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए जेएमडी खबर के साथ। नमस्कार।